स्वामी ब्रह्मानंद यांच्या 126व्या जयंतीचे औचित्य साधून लोधी समाजसेवा संस्थेच्या वतीने स्वामी ब्रह्मानंद वाचनालय तसेच कोचिंग क्लासेसचे उद्घाटन मान्यवरांच्या हस्ते नुकतच करण्यात आले. स्वामी ब्रह्मानंदजी यांच्या 126व्या जयंती निमित्त लोधी समाज सेवा संघाच्या वतीने स्वामी ब्रह्मानंद वाचनालय आणि कोचिंग क्लासचे उद्घाटन लोधी पूर्णसिंह पटेल राष्ट्रीय महामंत्री क्षत्रिय एम्प्लॉईज असोसिएशन नवी दिल्ली बीएस राजपूत लोणावळा धर्मवीर राजपूत तेनसिंग लोधा किशोर राजपूत आदी मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून स्वामी ब्रह्मानंदजी यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आलं. यावेळी प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते वाचनालयाचं उद्घाटन फित कापून करण्यात आलं. या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक माजी उपमहापौर माणिकसिंग मैनावाले यांनी केलं. आलेल्या सर्व मान्यवरांचं लोधी समाज सेवा संघ अध्यक्ष नामदेव मनसावाले यांनी त्यांचा सत्कार शाल आणि फेटा आणि पुष्पगुच्छ देऊन केला. यावेळी राष्ट्रीय महामंत्री लोधी क्षत्रिय एम्प्लॉईज असोसिएशनचे पूर्णसिंह पटेल यांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलं. परवर संत त्यागमूर्ती शिक्षा के सागर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोसेवक पूर्व सांसद स्वामी ब्रह्मानंद जी की आज 126वीं जयंती है. 4 दिसंबर 1894 को उनका जन्म हुआ था और 13 दिसंबर 1984 को वो स्वर्ग सिधारे थे. आज पूरे देश में स्वामी ब्रह्मानंद की जो है जयंती मनाई जा रही है. स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम पर राठ बुंदेलखंड में जगह है हमीरपुर ज़िले के अंदर 3000 बीघा जमीन है और उसमें जो है कृषि महाविद्यालय सभी प्रकार के कला विज्ञान सभी प्रकार के जो है महाविद्यालय हैं. स्नातकोत्तर का पढ़ाई वहाँ होती है. भारत में एशिया महाद्वीप में किसी भी महाविद्यालय के पास में कृषि महाविद्यालय के पास में इतनी ज़मीन नहीं है. तो हमारे जो स्वामी ब्रह्मानंद जी थे वो जो है शिक्षा के सागर थे. 24 साल में उन्होंने जो है अपना जीवन संत बन गए थे और उन्होंने त्याग किया था जिंदगी भर द्रव्य को हाथ न लगाने का उन्होंने त्याग किया था और शिक्षा के लिए उन्होंने 267 संस्थान पंजाब में खोले. उसके बाद पूरे बुंदेलखंड में पूरे भारतवर्ष में जो है शिक्षा के संस्थान खोले हैं. और स्वतंत्रता संग्राम में वह जब पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी और विनोबा भावे और सबके साथ बाल गंगाधर तिलक के उसमें वो यहाँ आए हुए थे और सबके साथ उन्होंने काम किया और जेल गए स्वतंत्रता आंदोलन के. देश में आपको मालूम होना चाहिए गोरक्षा के मामले में किसान की रीढ़ की हड्डी गाय है तो गाय की हत्या रोकने के लिए उन्होंने संसद पर जो है साधु संतों के साथ 1967 में जो है मार्च किया था और वहाँ पर जो है करपात्री महाराज भी थे और देश के पूरे साधु संत किसान गरीब मजदूर सारे लोग जिसमें करीब जो है 4 महीने उनका आंदोलन चला था. 10 लाख लोग उसमें सहभागिता हुई थी 4 महीने के अंतर. और वहाँ पर जो है संसद में प्रवेश करने के लिए जब मार्च करने गए तो इंदिरा गांधी ने गोलियाँ चलवा दी. 500 साधु संतों की वहाँ हत्या हो गई. तो उनने प्रण लिया उनको एक पुलिस वाले ने बोला कि आप जो है नियम से यहाँ संसद के अंदर सांसद बन के आइए प्रवेश करिए. भारतीय जनसंघ ने उनको जो है टिकट दिया 5 साल उससे पार्टी से वो सांसद रहे. फिर इंदिरा गांधी में राष्ट्रीयकरण की तरफ इंदिरा गांधी की तरफ की पार्टी में आ गए तो 5 साल वहाँ से सांसद रहे. 10 साल वो सांसद रहे और इतना बड़ा त्यागमूर्ति शिक्षा के सागर और वो जो है क्षुद्रोद्धार. महात्मा गांधी बोलते थे स्वामी ब्रह्मानंद जी आपके जैसे 8-10 लोग मिल जाएंगे तो देश में हमारा कल्याण हो जाएगा. राठ में जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी और देश का ऐसा कोई नेता बीबी गिरी राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सारे लोग वहाँ पर गए. गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ जेल में रहे. स्वामी जी जो है कई बार 10 बार जेल में रहे. सत्या आंदोलन हो चाहे नमक कानून हो चाहे हर जगह और उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया. आपके सोलापुर भी वो आए हैं आपके साबरमती भी गए हैं आपके पूरा देश का भ्रमण किया. और सबसे ज़्यादा पैदल चलने वाला संत स्वामी ब्रह्मानंद जी थे. गेरुए वस्त्र वो बोलते थे गेरुए वस्त्र केवल पहनने के लिए नहीं है गेरुए वस्त्र के प्रति हम देश के लिए समाज के लिए जवाबदार हैं. इस कारण से वो जो है ना बहुत महान संत थे. मानवतावादी संत थे. जाति पाति से ऊपर उठ के संत थे. शिक्षा के सागर थे. आज लोधी क्षत्रिय एम्प्लॉईज एसोसिएशन जिसको हम लक्ष्य बोलते हैं भारत की संस्था है कि अभी तक करीब 100 कोचिंग सेंटर और पुस्तकालय का लोकार्पण कर चुके हैं संचालित कर रहे हैं पूरे देश में. महाराष्ट्र में ये पहला हमारा सोलापुर में जो पुस्तकालय और कोचिंग सेंटर और कंप्यूटर से पढ़ाई का हम लोग आज शुभारम्भ करने जा रहे हैं. इसके लिए यहाँ महाराष्ट्र की जो संगठना है लोधी समाज है लोधी क्षत्रिय एम्प्लॉईज एसोसिएशन है ये धन्यवाद के पात्र हैं कि इतनी दूर मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ
और करीब 1500 किलोमीटर दूरी, मेरे को लगता है 1600 किलोमीटर दूरी से मैं यहाँ आया हूँ। तो ये सब हम शिक्षा की अलग जगाना चाह रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि समाज का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक विकास शिक्षा के माध्यम से हो सकता है, और जब हमारा जो है शिक्षित होंगे तो हमारा जो है समाज आगे बढ़ेगा, निश्चित ही हर हाथ को काम मिलेगा। और हमारा जो सहभागिता है हमारी भारत के राज्य प्रशासनिक सेवाओं में और भारत की केंद्र राज्य सरकार की जल थल नभ की सेवाओं में शिक्षा के माध्यम से हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने प्रण लिया है कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनका वो करेंगे त्याग, आज उनके संकल्प लेंगे कि हम जो शराब है, सट्टा है, जुआ है, जो कुरीतियाँ उसको त्यागेंगे और जो है आगे बढ़ेंगे। यही जो है मानवतावादी संत थे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। परम पूज्य त्यागमूर्ति मानव रत्न संत प्रवर शिक्षा के सागर स्वामी ब्रह्मानंद जी की 126वीं जयंती के शुभ अवसर पर आपका स्वागत करता हूँ। लक्ष्य लोधी क्षेत्रीय एम्प्लॉयज एसोसिएशन 2017 में रजिस्टर्ड हुआ है। इसके केंद्रीय संरक्षक आदरणीय अमरपाल जी हैं, IRS हैं, कमिश्नर साहब हैं, और शिक्षा के माध्यम से कुर्तियों का अनुकूलन हो सकता है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो शिक्षा से वंचित रहेगा वो आर्ट ऑफ लिविंग से वंचित रहेगा, जीवन जीने की कला से वंचित रहेगा। मैं बताना चाहता हूँ कि एक शिक्षा एक ऐसी चाबी है, ऐसी मास्टर की है जो आपको सारे रास्तों का दरवाज़ा खोलती है। आप प्रगति कर सकते हैं, राजनीति में जा सकते हैं, समाज सेवा में जा सकते हैं, अपने परिवार को बढ़ा सकते हैं। लोग बोलते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मुझे लगता है कि संसार की सबसे बड़ी सेवा खुद का सुधार करना है। हम अपनी बुराई को थोड़ा थोड़ा कम करें, और कम करते करते जानवरों की जो हत्या करते हैं हम शुभ अवसर पर, जो है किसी का जन्मदिन है, किसी का कुछ है, ये बहुत बड़ी बुराई है। दूसरों को कष्ट दे के कभी भी आदमी सुखी नहीं रह सकता है, ये शाश्वत सत्य है। अगर हम किसी बकरे को काटेंगे, मुर्गा को काटेंगे, किसी को भी काटेंगे और हम सोचेंगे कि हमारा बच्चे का जीवन अच्छा जाएगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, मुझे लगता है बहुत हम गलत फहमी में जी रहे हैं। हमें इन चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा धीरे धीरे। हम एक साथ नहीं छोड़ पा रहा, धीरे धीरे करें। दारू का सेवन छोड़ें, शराब का सेवन छोड़ा, बहुत सारा पैसा हमारा ऐसे ही उजुल उजुल कामों में बर्बाद होता है। उस पैसे को अगर हम डाइवर्ट करवाएं अपने बच्चों की शिक्षा की तरफ, बहुत बड़ी शिक्षा क्रांति आ सकती है, बहुत बड़ा समाज सुधार हो सकता है। समाज सुधार क्या है? हम अपने आप को सुधारें, अपने बच्चों को सुधारें, अपनी बीवी के साथ बढ़िया बना के रखें, माँ बाप की सेवा करें। जो व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाया वो दुनिया भी जीतने के बाद भी दुनिया से हार गया वो आदमी। जिस आदमी ने अपने माँ बाप के दिल जीत लिया, अपने बच्चों को सही शिक्षा दे दी, अच्छा मार्गदर्शन पर ले गए, मुझे लगता है वो दुनिया जीतने में बहुत बड़ा काम किया उसने, और वही आदमी काम कर सकता है। सिर्फ हमको जो है शिक्षा पर फोकस करना, शिक्षा, संस्कार और रोज़गार। रोज़गार कहाँ से मिलेगा? जब हम शिक्षित होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है शिक्षित बनो, जब शिक्षित बनाएंगे तो संगठन बनेगा, संगठन में मजबूती आएगी, और संगठन में जब मजबूती आएगी तो संघर्ष के रास्ते को सफल किया जा सकता है। युवा वो होता है जो अपने संघर्षों के सोपानों पर चढ़कर सफलता अर्जित करते हैं। युवा की कोई एज नहीं है कि 20 साल का होना चाहिए, 40 साल का होना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में युवा उसको बोलते हैं जिसके अंदर जोश है, जीने का जोश है, सपने, ऐसे सपने जो सपने साकार करने के लिए रात में नींद नहीं आती, वो युवा है। जिसका जो है 20 साल का आदमी होकर भी आड़ी तंबाकू खा रहा, दारू पी रहा, ये कर रहा, मुझे लगता है वो युवा नहीं है, वो बूढ़ा हो चुका है। युवा तो वो होता है जिसके अंदर आग लगी हुई हो, और आग बुझनी नहीं चाहिए। आज मुझे बताओ, अपन एरोप्लेन जब बचपन में थे तो बोलते थे अरे एरोप्लेन जा रहा है, एरोप्लेन जा रहा, पीछे आग लगी हुई है। क्यों लगी? आग लगी इसलिए जा रहा ना फास्ट, हमारे अंदर आपके अंदर आग नहीं लगी, इसलिए सुस्त चल रहे हैं हम लोग। हमारे अंदर भी हमको आग लगाने का काम करना है। वो आग जो है आपस में झगड़ाने का काम नहीं करना है, हमें शिक्षा की आग लगाना है, शिक्षा की ऐसी ज्योति जलाना है। गौतम बुद्ध ने कहा है अपना दीपक भाव, अपने दीपक स्वयं बने। इसका मतलब आप दीपक बने, जलें और एक दूसरे को जलाते चलें, दीपक के माध्यम से हमें रोशनी प्रदान करते चलें। परिवार में रोशनी कब आएगी? जब परिवार शिक्षित होगा, परिवार में जब संस्कार होंगे, परिवार में जब सामंजस्य होगा, एक दूसरे की बात मानेंगे, आदर करेंगे, बड़ों का आदर करेंगे, छोटों को स्नेह देंगे, बच्चे बच्चियाँ पढ़ लिख के जो है सुंदर बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने आप को दिल खुश होता है। अध्यात्म भी यही सिखाता है, अध्यात्म यही सिखाता है आप अपने परिवार की सेवा, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण अगर आप करने में कामयाब हो गए, मुझे लगता है आप अपने परिवार का निर्माण करें तो समाज निर्माण होगा, राष्ट्र निर्माण होगा। बहुत बड़ी कड़ी है, बहुत बड़ी इकाई है परिवार। परिवार को सुधारने का काम सबसे बड़ी सेवा है, उसमें सबसे पहले सुधार अपना होना चाहिए। तसेच महाराष्ट्राचे लोधी क्षत्रिय एम्प्लॉईज BS राजपूत यावेळी बोलताना म्हणाले की हा कार्यक्रम यशस्वी करण्याकरिता रतनसिंग शिवाले, राजेश सकी, मुकेश पत्तेवाली, डॉक्टर शंकरसिंग कजाकवाले, रामसिंग कलबुर्गी,
दशरथ सिंह, मनसा वाले, वसंत चौधरी, शमशेर आंबे वाले, रामसिंह आंबे वाले, अजिंक्य मनसे वाले, दशरथ मनसा वाले आणि समाज बांधवांची उपस्थिती होती। या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन ऍडव्होकेट सूरज सिंह लोधा यांनी केलं, तर आभार सचिव संजय मैनावाली यांनी केले।